Good morning, students. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. The students, मैंने आपको पिछले दिन vector, algebra यानी सर्फेस बीजगणित chapter के सवाल बता के उस chapter को finish कर दिया था. आज मैं आपको three dimensional geometry, ये नया chapter है. लेकिन है vector से ही connected. तो vector में याद करिए, मैंने आपको बताया था दिक्कोज्याय. किसी रेखा की क्या दिक्कोज्याय. तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी दिक्कोज्याम से ही स्टार्ट होता है. तो मैंने आपको बताया भी हुआ था, जब दिक्कोज्याम में पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने बोला था कि दिक्कोज्याम का ज्यादातर जो मोस्ट सबसे ज्यादा पार्ट है वो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में है. तो सबसे पहले मैं किसी रेखा की दिक्कोज्याम के बारे में बता रहा हूँ. दिक्कोज्याम direction cosines of a line. त्रिविमीतल में बता रहा हूं, क्योंकि जो भी काम होगा वो त्रिविमीतल में होगा, क्योंकि त्रिविमीय ज्यामिति है. तो मान लीजिए ये मैंने त्रिविमीतल खींच लिया, ये मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष. मान लीजिए इस समतल में, इस पूरे समतल में कहीं पर भी एक बिंदु स्थित है पी. मान लीजिए ये पॉइंट पी स्थित है. पी के निर्देशांक में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. तो पी के निर्देशांक अगर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो स्पष्ट बात है कि जो पी का स्थिति सदिश होगा वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा. ये मैं आपको बता चुका हूँ. अब मान लीजिए इस रेखा पे इस बिंदु पी का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष ओपी वेक्टर है ना. तो ओपी वेक्टर है, जब ओ से पी को मिलाया तो एक लाइन बनी ओपी. मान लीजिए ये जो लाइन बनी वो एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनाती है, और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है. तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ जो भी कोण बनाती है, उन कोणों के लिए हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं. तो उन कोणों की जो कोज्याओं के मान होते हैं, वही उन उस रेखा की क्या होती है, दिक्कोज्या है. तो क्या बात है, कोई भी रेखा अगर एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ जितना कोण अंतरित करती है, उन कोणों की जो कोज्याओं के मान होते हैं, कोज्याओं का मतलब उन कोणों की जो कोसाइंस की वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं उन रेखाओं की, उस रेखा की दिक्कोज्या. तो अगर कोई भी बिंदु त्रिविमीतल में है, तो अगर उस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाएंगे तो जो रेखा प्राप्त होगी उसकी कितनी दिक्कोज्या होगी, एक दिक्कोज्या होगी. तो लिखेंगे माना एक बिंदु भी जिसके निर्देशांक है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जिसका मूल बिंदु, जिसका मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश, स्थिति सदिश ओपी वेक्टर बराबर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे है प्लस जेड इंटू के है. तो माना इस सदिश से निरूपित रेखा, इस सदिश से निरूपित रेखा, बताइए अगर सदिश मैंने ओपी वेक्टर लिया है तो ओपी वेक्टर से निरूपित रेखा क्या होगी, ओपी है ना, ओपी एक्स अच वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ, जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा कोण अंतरित करती है, अंतरित करती है. तो इन कोणों अर्थात कौन कौन से कोण है, एल
alpha, beta, gamma. Alpha, beta, tata, gamma, k, gamma, ki, kojyao. Gamma, ki, kojyao. Atat, satyang, ki, kosa, kata. So, alpha, ki, kojya, cos alpha. Beta, ki, kojya, cos beta. Tata, gamma, ki, kojya, cos gamma. K, man. K मान रेखा OP के रेखा OP का रेखा OP सेम रूपित सदिश सेम रूपित सदिश OP वेक्टर के OP वेक्टर की क्या होगी देखो जाए होगी इन्हें क्रमशः L, M तथा N से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं, अर्थात L बराबर cos alpha, M बराबर cos beta, N बराबर cos gamma. तो आपको याद रखना है अगर कोई भी बिंदु त्रिविमीय तल में है मान लीजिए कोई भी बिंदु त्रिविमीय तल में है और वो बिंदु x अक्ष के साथ अल्फा कोण y अक्ष के साथ बीटा कोण तथा z अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है तो उन अल्फा कोण बीटा कोण तथा गामा कोण में हम cos की क्या निकालेंगे वैल्यू यानी cos अल्फा cos बीटा और cos गामा की जो वैल्यू होगी वही उस रेखा से निरूपित स्थिति सदिश की क्या होगी दिक कोज्या तो किसी भी बिंदु जो त्रिविमीय तल में उसकी कितनी दिक कोज्या होती है डी एल एम एन तो एल होती है एक्स अक्ष की दिक कोज्या एम होती है वाई अक्ष की दिक कोज्या एन होती है जेड अक्ष की दिक कोज्या तो अगर याद रखिएगा अगर कभी किसी रेखा का तीनों अक्षों के साथ झुकाव दिया हो यदि किसी रेखा का तीनों अक्षों के साथ क्या दिया हो झुकाव और अक्ष क्या निकाल लेंगे दिक्कोज्या एल एम एन तो ये सूत्र लगाएंगे एल बराबर cos अल्फा एम बराबर cos बीटा एम बराबर cos गामा एल एम एन क्या होती है दिक्कोज्या होती है दूसरा मैं आपको बता चुका हूं दूसरा दो बिंदुओं x1, y1, z1 तथा x2, y2, z2 के से होकर जाने वाली से होकर जाने वाली रेखा की दिक होती है मान लीजिए दो बिंदु है x1 y1 z1 और x2 y2 z2 इन दोनों को सेम होकर जाने वाली इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं को मिला के जो रेखा बनती है उनकी जो दिक्कोज्या होगी वो क्या होगी l m और n l बराबर क्या होगा x2 minus x1 upon under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर m क्या लगेगा m का सूत्र लगेगा y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और n का सूत्र क्या लगेगा z2 माइनस z1 अपॉन अंडर रूट x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर तो ये ln का सूत्र कब लगेगा जब कभी दो बिंदुओं में क्या पता हो निर्देशांक और उन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की क्या निकालनी हो दिक कोज्या तो ln का ये सूत्र लगेगा तो दो सूत्र दिखाए दिक कोज्या के अभी जब किसी रेखा का तीनों अक्षों के साथ झुकाव दिया हो तो एल एम एन के क्या सूत्र लगेंगे एल का सूत्र cos अल्फा एन का सूत्र cos बीटा एन का सूत्र cos गामा अगर कभी दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हो और उन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की क्या निकालनी दिक कोज्या तो एल एम एन के ये सूत्र लगेगा तीसरा
दो बिंदुओं एक्स वन वाई वन जेड वन तथा एक्स टू वाई टू जेड टू को मिलाने वाली रेखा के दिक अनुपात, रेखा के दिक अनुपात, दिक अनुपात को हम बोलते हैं m1 m2 m3। m1 बराबर क्या निकलेगा, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। तो अगर दो बिंदु दिए x1 y1 z1 और x2 y2 z2, इन दोनों से मिला के रेखा बनती है, उसके क्या पूछे, दिक अनुपात। दिक को दिया है, दिक अनुपात इसको बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन रेशियो हो। तो दिक अनुपात तीन होते हैं, m1 m2 m3। तो m1 बराबर क्या, x2 माइनस x1 लगा दीजिए या x1 माइनस x2 लगा दीजिए, चिन्ह का परिवर्तन होगा, इसमें चिन्ह का कोई महत्व नहीं, बस परिमाण सेम होना चाहिए। तो x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 की वैल्यू तो सेम आएगी, बस चिन्ह का परिवर्तन होगा। तो m1 इक्वल चाहे x2 माइनस x1 लगा दीजिए चाहे x1 माइनस x2 लगा दीजिए, ठीक है। m2 गलत नहीं होगा, m2 y2 माइनस y1 लगा दीजिए या y1 माइनस y2 लगा दीजिए, m3 क्या z2 माइनस z1 लगा दीजिए या z1 माइनस z2 लगा दीजिए। तो उसका दो बिंदु दिए x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो इनसे होकर जाने वाली जो रेखा है उनके तीनों दिक अनुपात इन सूत्रों से निकले। आप इस सूत्र में भी यही काम कर सकते थे, ऊपर x2 माइनस x1 की जगह चाहे तो आप x1 माइनस x2 भी निकाल सकते हैं। देखिए दिक को ज्याओं के परिमाण से होने चाहिए, चिन्ह में विपरीत तो कोई समस्या नहीं। अब क्या है चौथा पॉइंट, यदि किसी रेखा के दिक अनुपात, अगर किसी रेखा के दिक अनुपात पहले से दे दिए गए, अभी क्या दिया था रेखा के दोनों बिंदुओं के सिरे दिए थे, अगर किसी रेखा के दिक अनुपात पहले से दे दिए गए m1 m2 तथा m3 है, पहले से पता होने, अगर किसी रेखा के दिक अनुपात पहले से पता हो तो उस रेखा की दिक खोज जाए। L बराबर क्या होगा, m1 बटे अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर। और सिंपल है, इसी सूत्र में रखते जाइए, x2 माइनस x1 की जगह क्या रखिए m1, y2 माइनस y1 की जगह m2 और z2 माइनस z1 की जगह m3, यही सूत्र इनमें कन्वर्ट होंगे। तो अगर किसी रेखा के दिक अनुपात पहले से पता हो और उस रेखा की दिक खोज जाए निकालनी हो, तो LMN के दोनों सूत्र लगेंगे, L बराबर M1 बटे M2 M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर, N बराबर M2 बटे M2 M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर तथा N बराबर क्या, M3 अपॉन √ M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, और मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश दिया, मान लीजिए एक स्थिति सदिश को वही वेक्टर, मान लीजिए किसी बिंदु के का स्थिति सदिश क्या दिया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप, अगर किसी बिंदु का स्थिति सदिश आई कैप जे कैप और के कैप के पदों में दिया हो तो देखो जेड क्या होगी, तो देखो जेड बराबर क्या होगी, एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एन बराबर क्या, वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और तीसरी दिक खोज जाए क्या होगी, एन बराबर जेड बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर किसी बिंदु के स्थिति सदिश आई कैप जे कैप और के कैप के पदों में दिए हो तो दिक खोज जाए कैसे निकालेंगे, पहली दिक खोज जाए क्या होगी, एल बराबर एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स का मतलब आई कैप का गुणांक, वाई का मतलब जे कैप का गुणांक और जेड का मतलब के कैप का गुणांक, और इसमें जो एक्स वाई जेड होते हैं आई कैप के गुणांक को पहला दिक अनुपात कहते हैं, जे कैप के गुणांक को दूसरा दिक अनुपात कहते हैं,
और के टैग के गुणांक को तीसरा देकर बात करते हैं। तो मान लीजिए कोई स्थिति सदिश दिया है टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस सेवन के कैप, तो इसमें पहला देकर अनुपात दो है, दूसरा देकर अनुपात माइनस थ्री है, तीसरा देकर अनुपात सेवन है। तो ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है। तो m1 m2 m3 पता है आपको, देखा कि देखो क्या निकाल सकते हैं। अगर सदिश भी निकालनी है तो सदिश कैसे निकालेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, l बराबर सूत्र x / x / x2, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये है स्टूडेंट्स किसी भी रेखा के स्थिति किसी भी रेखा के स्थिति सॉरी किसी भी रेखा की त्रिकोणज्या निकालने के कुछ मेन मेन फार्मूले थे, इन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब मान लीजिए आपसे पूछ दे किसी रेखा की दिक्कोज्या तो किसी भी रेखा की कितनी दिक्कोज्या होती, डी एल एम तथा एन में संबंध, एल एम एन में संबंध। अगर आपसे कोई पूछ दे कि एल एम एन में संबंध बताइए तो क्या होता है, तीनों रेखाओं की तीनों दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग सदैव एक के बराबर होता है, यानी एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन, यही होता है एल एम तथा एन में संबंध। तो किसी रेखा की दिक्कोज्या है, माना किसी रेखा के दिक् अनुपात, हम दिक् अनुपात वाले से कर रहे हैं, दिक् अनुपात क्या क्या है, एम वन एम टू तथा एम थ्री है। तो इस रेखा की दिक्कोज्या है, इस रेखा की दिक्कोज्या है, आपसे ये भी पूछ सकता है, यदि किसी रेखा की दिक्कोज्या है एल एम एन एल एम तथा एन है तो एल एम एन में संबंध बताइए। तो इस रेखा की दिक्कोज्या क्या बनेगी, एल बराबर एम वन बटे एम टू, एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर, एम बराबर क्या लगेगा, एम टू बटे एम टू स्क्वायर प्लस सॉरी एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर, और एन बराबर क्या लगेगा, एम थ्री बटे एम रूल एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर। ठीक है, ये एल एम एन के सूत्र हो गए। अब हमें चाहिए एल एम तथा एन में संबंध, तो एक काम करिए तीनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो समीकरण एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, ऐसा करेंगे तो आपको सीधी सी रिलेशन मिल जाएगी। तो समीकरण एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर किया, यानी तीनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ेंगे। तो बताइए बाई तरफ वाले पदों को वर्ग करिए, इसका वर्ग एल स्क्वायर, इसका वर्ग एल स्क्वायर, इसका वर्ग एल स्क्वायर, तो बनेगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा, एम वन स्क्वायर बटे रूट नीचे काटेगा, एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर प्लस इसके इसका वर्ग करिए, वर्ग करके इसको जोड़ना तो क्या बनेगा, एम टू स्क्वायर और वहां पर रूट रहेगा, तो एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर प्लस तीसरा इसका वर्ग करके जोड़िए, तो एम थ्री स्क्वायर अपॉन एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर। अब तीनों को आप जोड़िए, तो इस तरफ क्या चल रहा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जोड़ने की जरूरत सीधे सीधे एम से जुड़ जाएगा क्योंकि हर बराबर है, तो अंश क्या है, एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर, नीचे आपको एक बार लगेंगे तो एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर, ये कैसे आउट हो गया, तो कितना आया एक, तो क्या इसका डिवीजन बनी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर एक, ये एल एम एन में क्या हो गया संबंध, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हो गए किसी भी रेखा की दिक्कोज्या कितनी तरीके से निकाली जा सकती है, एक बार फिर रिपीट कराते हैं, अगर कोई रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बना रही है तो देखो चाहे एल एम एन के क्या सूत्र लगेंगे, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एम बराबर कॉस गामा,
यदि किसी रेखा के दोनों सिरों के निर्देशांक पता हो, पहले सिरे का निर्देशांक x1 y1 z1, दूसरे सिरे का निर्देशांक x2 y2 z2 है ना, और इसकी दिक्कोज्या निकाल ली है तो l का सूत्र लगेगा x2 minus x1 बटे अंडर रूट x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर, और m बराबर क्या, ऐसे ही m का सूत्र लगेगा y2 minus y1 अपॉन रूट वाली चीज सेम रहेगी, और n का क्या लगेगा z2 minus z1 अपॉन अंडर रूट x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर। तीसरा पार्ट, तीसरा सूत्र कब लगेगा, यदि किसी रेखा के दोनों सिरों के निर्देशांक दिए x1 y1 z1 x2 y2 z2 और आपसे रेखा के पूछे दिक अनुपात, तो किसी भी रेखा जो त्रिविमीय तल में अगर कोई रेखा स्थित होती है तो उसके तीन दिक अनुपात होते हैं m1 m2 m3। m1 कैसे निकलता है, x2 minus x1 करिए या x1 minus x2 करिए, m2 कैसे निकलेगा, y2 minus y1 करिए या y1 minus y2 करिए, और m3 कैसे निकलेगा, z2 minus z1 करिए या z1 minus z2 करिए, है ना। नेक्स्ट, अगर किसी रेखा के दिक अनुपात पहले से दे दिए गए m1 m2 m3 पहले से पता हो तो उस रेखा के डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक्कोज्याएं क्या होती है, l L बराबर M1 बटे अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर, M बराबर M2 बटे अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर, और तीसरी M बराबर M3 बटे अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी बिंदु का स्थिति सदिश आई कैप जे कैप और के कैप के पदों में दिया हो तो I कैप के गुणांक को x लीजिए, y कैप के j कैप के गुणांक को y लीजिए, k कैप के गुणांक को z लीजिए, तब दिक्कोज्याएं कैसे निकलेंगी, l बराबर x बटे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, m बराबर y बटे अंडर रूट y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और तीसरी n बराबर z बटे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और किसी भी रेखाओं l m n की दिक्कोज्याओं में क्या संबंध होता है, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक, ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया है। तो अब याद रखिए, यदि किसी रेखा की, ये भी एक पॉइंट है, यदि किसी रेखा की दिक अनुपात अगर किसी रेखा के दिक अनुपात एम वन एम टू तथा एम थ्री है तथा दिक्कोज्याएं क्या है, दिक्कोज्याएं क्रमशः एल एम एन है, यही तो होता है किसी भी रेखा जो त्रिविमीय तल में उसके तीन दिक अनुपात होंगे एम वन एम टू एम थ्री, और इनकी तीन दिक्कोज्याएं होंगी एल एम एन है तो इनका अनुपात दो, तो क्या कंडीशन होती है, एल का अनुपात एम वन के साथ करें, एम का अनुपात एम टू के साथ करें और एम का अनुपात एम थ्री के साथ करें, तो एल बाई एम वन इज इक्वल टू एम बाई एम टू इज इक्वल टू एम एम बाई एम थ्री, यानी किसी रेखा की दिक्कोज्याओं का, किसी भी रेखा की दिक्कोज्याओं का अपने संगत दिक अनुपात के साथ जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर किसी ने काम की दिक अनुपात क्या है एम वन एम टू एम थ्री, उसकी दिक्कोज्याएं क्या है एल एम एन, तो एल का अनुपात एम वन के साथ मतलब एल बटे एम वन एम बटे एम टू और एल बटे एम थ्री, तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अब स्टूडेंट्स मैं आपको रेखा की दिक्कोज्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, अब मैंने सवाल लिया हुआ है दिक्कोज्या पर आधारित, यदि एक रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 अंश 135 अंश तथा 45 अंश के कोण बनाती है। देखिए एक रेखा है, मान लीजिए वही रेखा है ओपी, तो एक रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, 90 अंश 135 अंश तथा 45 अंश। प्रश्न अनुसार रेखा का एक्स अक्ष के साथ कोण, एक्स अक्ष के साथ बना कोण के साथ झुकाव बोल सकते हैं, तो रेखा का एक्स अक्ष के साथ झुकाव क्या होता है, अल्फा, अल्फा कितना 90 डिग्री, रेखा का वाई अक्ष के साथ झुकाव
135 डिग्री, तो इसको बीटा लेते हैं वाई एक्स के साथ झुकाव, और डेल्टा का जेड एक्स के साथ झुकाव, वाई एक्स के साथ झुकाव और डेल्टा का जेड एक्स के साथ झुकाव, गामा, गामा कितना 45। तो हमें निकालनी है किसकी डिस्कोजेंट, यानी क्या याद करना है, एल याद करना है, एम याद करना है, एन याद करना है। तो बताइए, मैंने आपको अभी बताया था वीडियो की शुरुआत में, अगर कोई देखा है एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के साथ अल्फा बीटा कार्बन कोण गामा कोण बना रही है, तो क्या सूत्र लगते हैं एलिमेंट के, तो एल बराबर क्या कॉस अल्फा, तो एल बराबर कॉस अल्फा बीटा का कितना 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। एम बराबर क्या सूत्र लगेगा, एम बराबर कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी 135, कॉस 135 का मान निकाल लीजिए, तो 135 को देख सकते हैं 90 प्लस 45, तो आप चतुर्थांश की मदद से भी निकाल सकते हैं, सूत्र याद है जिनको सूत्र की मदद से भी निकाल सकते हैं, यहाँ सूत्र बन रहा है cos 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह 45 अंश है, तो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो कितना बनेगा माइनस साइन थीटा की जगह 45 डिग्री, और साइन 45 अंश का मान 1/2, तो दूसरी दिक्कोज्या क्या होगी, दूसरी दिक्कोज्या होगी माइनस की 1/√2, और तीसरी दिक्कोज्या n, n बराबर क्या सूत्र लगेगा cos गामा, तो n बराबर cos और गामा की वैल्यू कितनी है 45 अंश, cos 45 अंश का मान 1/√2, तो आप क्या लिखेंगे तीनों दिक्कोज्याएं आ गई, तो लिखेंगे अंतर रेखा की दिक्कोज्याएं 0 कॉमा माइनस 1/√2 तथा 1/√2 है, ये सवाल हो गया। ये दोनों सवाल बोर्ड परीक्षा में आए थे, 2018 की बोर्ड परीक्षा में आया है और 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया है, जो 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछ लिया जाता है ये सवाल। क्या कह रहा है, एक रेखा की क्या निकालनी है दिक्कोज्या, तो किसी भी रेखा की तीन दिक्कोज्या क्योंकि अब त्रिविमीकरण पढ़ रहे हैं, तो एल एम एल निकालना है, समझ रहे, जो अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, प्रश्न अनुसार रेखा का एक्स अक्ष के साथ कोण, तीन अक्ष है ना, रेखा का एक्स अक्ष के साथ कोण, रेखा का वाई अक्ष के साथ कोण तथा रेखा का जेड अक्ष के साथ कोण, तीनों आपस में क्या है बराबर, के साथ कोण, तीनों समान है, समान का तीनों कोणों की माप आपस में क्या है बराबर, अर्थात किसी भी रेखा का एक्स अक्ष के साथ झुकाव क्या होता है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, पहली कंडीशन ये बनी, इसी कंडीशन को यूज करेंगे और एल एम एन की क्या निकालेंगे वैल्यू, तो आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें एल एम एन में क्या चाहिए संबंध, क्या चाहिए संबंध, तो एल बराबर क्या होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एल की वैल्यू क्या रखेंगे कोण के पदों में, एल एम एन के सूत्र कौन से प्रयोग करेंगे, एल का सूत्र कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब आते हैं एक कंडीशन क्या है, तीनों कोण आपस में क्या है बराबर, तो एक काम करते हैं बीटा और गामा, बीटा और गामा दोनों की जगह अल्फा रखते दे रहे हैं, तो ये सवाल गलत हो जाएगा, कितना बनेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, बीटा और गामा दोनों की जगह मैंने अल्फा रख दिया है, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा तीनों आपस में क्या है बराबर, ये सॉल्व हो रहा है cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, cos square alpha is equal to 1/3, तो cos alpha is equal to under root लगेगा तो plus minus 1/√3 आ जाएगा, तो ये cos alpha आ गया, तो बताइए alpha beta और gamma आपस में क्या है बराबर, तो चूंकि alpha beta और gamma आपस में बराबर है, तो जितना cos alpha होगा उतना ही cos beta होगा उतना ही cos gamma होगा, क्यों, क्योंकि तीनों कोण बराबर है, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि alpha बराबर बीटा बराबर गामा तथा कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली है,
प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 तो cos बीटा कितना हो जाएगा देखिए एक बार इसको भी करके क्या रख सकते हैं बीटा तो cos बीटा भी प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 हो तथा cos गामा भी कितना होगा प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 और cos अल्फा को क्या बोलते हैं l cos बीटा को n तथा cos गामा को n तो क्या लिखेंगे अतः इस रेखा की दिक को क्या है इस रेखा की दिक को क्या है l बराबर क्या cos अल्फा cos अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1 बाय m बराबर cos बीटा की वैल्यू भी प्लस माइनस 1 बाय और n बराबर cos गामा की वैल्यू भी प्लस माइनस 1 बाय यानी आप ये समझे कि कर्व रेखा अगर अक्षों के साथ समान कोण अंतरित करती है तो उसकी दिक को अध्याय भी समान होती है तो ये कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन सो स्टूडेंट्स अब मैंने अगले सवाल लिए हुए हैं जिनको अध्याय में आधार है तीन सवाल और लिए हुए हैं यदि एक रेखा के दिक अनुपात क्या है माइनस 18 12 तथा माइनस 4 तो किसी भी रेखा के दिक अनुपात दिए तीनों तो प्रश्न अनुसार पहला दिक अनुपात क्या है m1 है माइनस 18 दूसरा दिक अनुपात m2 12 देखो जैसे दिक अनुपात है m3 बराबर माइनस 4 तो आपको क्या कह रहा है इस रेखा की क्या निकाल के देखो l m और n तो अगर किसी रेखा के तीनों दिक अनुपात दिए होते थे m1 m2 और m3 देख अनुपात बदल भी सकते हैं अगर आप ए बी सी लेना चाहें तो ए बी सी ले सकते हैं एक्स वाई जेड लेना चाहें तो एक्स वाई जेड ले सकते हैं मैंने एम वन एम टू एम थ्री लेके दिखाया है ठीक है तो बताइए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे एल एम एन का वी नो दैट हम जानते हैं क्या कि एल बराबर एम वन बटे अंडर रूट एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर तो इसी को सॉल्व करें m1 की वैल्यू कितनी है m1 की वैल्यू है माइनस 18 बटे अंडर रूट m1 की जगह माइनस 18 का स्क्वायर करेंगे 3 24 प्लस m2 स्क्वायर तो m2 की जगह 12 का वर्ग 144 प्लस m3 की जगह माइनस 4 का वर्ग 64 तो स्टूडेंट इसको जब सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 440 में 144 जोड़ेंगे 484 और 484 का वर्गमूल 22 तो बटे 22 आएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो -9/11 तो पहले दिक आई -9/11 एम का सूत्र क्या लगाएंगे m2/√ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर तो कितना आएगा m2 की वैल्यू कितनी है m2 की वैल्यू है 12 तो 12 बटे रूट में तो सेम चल रहा है तो ये निकालेंगे 324 प्लस 144 प्लस 16 कितना आएगा 12 बटे 22 दो से काटेंगे तो 6/11 और n का सूत्र क्या लगेगा m3/√ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर तो m3 कितना स्टूडेंट्स m3 है -4 बटे अंडर रूट 324 प्लस 144 प्लस 16 तो -4 बटे 22 दो से कैंसिल हो गया तो आएगा -2/11 तो इस रेखा की कितनी दिक को अध्याय है तीन तीनों के मान कौन कौन से हैं तो आप लिखेंगे अगर इस रेखा की दिक को अध्याय -9/11 6/11 तथा -2/11 है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं तो त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज तो बोल दिया लेकिन हमको त्रिभुज का नाम नहीं पता है तो मान लेते हैं त्रिभुज हमारा कौन सा है ABC ये ABC तो हल चौथे का बता रहे हैं आपको माना एक त्रिभुज ABC है जिसमें
तीनों शीर्षों के निर्देशांक भी है, शीर्ष ए के निर्देशांक माने ले रहे हैं, शीर्ष ए के निर्देशांक ये ले रहे हैं 3.5, -4 शीर्ष बी के निर्देशांक, शीर्ष बी के निर्देशांक ये ले रहे हैं -1, 1, 2 और शीर्ष सी के निर्देशांक, शीर्ष सी के निर्देशांक क्या ले रहे हैं -5, -5, -2 तो ए के निर्देशांक 3, 5, -4 बी के निर्देशांक -1, 1, 2 और सी के निर्देशांक -5, 5, -2 है ना। अब स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, पूछ रहा है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की दिक को ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी बी सी सी ए तीनों की दिक को ऊंचाई, तो त्रिविमीय तल में अगर कोई भी रेखा स्थित होती है उसकी तीन दिक को ऊंचाई होती, तो तीन दिक को ऊंचाई ए बी की आएगी, तीन बी सी की, तीन सी ए की। मैं आपको ए बी की दिक को ऊंचाई निकाल के दिखा दे रहा हूँ, आप बी सी और सी ए की इसी प्रकार निकालेंगे। तो ए बी के लिए सबसे पहले भुजा ए बी के लिए, भुजा ए बी के लिए तो ए बी में दो बिंदु है ए और बी, तो ए के शीर्षों को लेंगे x1 y1 z1 और बी के शीर्षों को x2 y2 z2। तो जब भुजा ए बी की दिक को ऊंचाई निकालेंगे तो सबसे पहले ए बी के शीर्षों को लिखेंगे, ए के शीर्षों को x1 y1 z1, बी के शीर्षों को x2 y2 z2। x1 3 y1 5 z1 -4, x2 -1 y2 कितना 1 और z2 कितना 2। तो अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, LMN के कौन सा सूत्र लगाएंगे, जब किसी रेखा के दोनों सिरों के क्या पता होने निर्देशांक, तो L बराबर x2 - x1 / √x2 - x1² + y2 - y1² + z2 - z1² होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे सूत्र से, तो x2 - x1 करिए तो x2 - 1 है और x1 कितना है -3, तो -1 - -3 - 4 / √ x2 - x1, तो x2 - x1 - 4 आएगा, -4 का स्क्वायर 16 + y2 - y1 करिए तो 1 में 5 माइनस करिए, तो जब 1 में आप 5 माइनस करेंगे तो -4 आएगा, -4 का स्क्वायर 16 + z2 - z1 तो z2 कितना है 2 और -z1 - 4 + 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36, तो -4 8 और यहाँ पर 16 16 32, 32 और 36 68 हो जाएगा, 68 को लिख सकते हैं 2 2 17, 2 से कैंसिल हो रहा है 4 बार 4 2 बार, पहली दिक को जाई -2 / √17, ये किसकी दिक को जाई, भुजा AB की पहली दिक को जाई। अब हम दूसरी दिक को जाई निकाल रहे हैं M, M बराबर क्या सूत्र, y2 - y1 / √x2 - x1² + y2 - y1² + z2 - z1² एक रेखा की तीन दिक को जाए, ये सवाल बड़ा है, पहले आप ए बी की तीन दिक को जाए, फिर बी सी की तीन दिक को जाए, फिर सी ए की तीन दिक को जाए, तो मैं आपको ए बी की करके दिखा रहा हूँ, बी सी और सी ए इसी तरीके से करेंगे। तो y2 - y1 करिए तो y2 1 y1 5, तो 1 - 5 - 4 और नीचे वाला रूट के अंदर ये चीज आप सेम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सही आना है 16 + 16 + 36, तो n बराबर कितना है -4 / √17, फिर से 4 से करिए 2 से करिए 4 कर रहा है -2 / √17, तो ये AB की दूसरी दिक को आ गई। अब हम AB की कौन सी दिक को निकालेंगे, तीसरी, तो तीसरी दिक को के लिए मैं सवाल
बाद साफ कर लेना तीसरी दिन को क्या मैं ऊपर की धार में दिखा ले रहा हूं n n बराबर क्या सूत्र लगेगा z2 - z1 upon under root x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर + z2 - z1 का होल स्क्वायर तो z2 - z1 की वैल्यू रखिए ऊपर तो z2 कितना है 2 और z1 कितना -4 जो इसको सॉल्व करेंगे 6 आएगा नीचे सेम है नीचे कोई दिक्कत नहीं है एक चले में 16 + 16 + 36 तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 6/2 √17 रूट से कैंसिल हो गया तो आया 3/√17 तो हमने AB की तीनों त्रिकोणीय निकाले तो आता AB की त्रिकोणीय AB की देखो त्रिकोणीय AB की त्रिकोणीय क्या हुई AB की त्रिकोणीय हुई -2/√17 फिर -2/√17 फिर p/√17 तो ये सच स्टूडेंट सिर्फ AB की त्रिकोणीय है इसी प्रकार आप BC की त्रिकोणीय निकालेंगे इसी प्रकार आप CAB की त्रिकोणीय निकालेंगे तो इसी प्रकार आप तीनों भुजाओं की क्या मिलेगी त्रिकोणीय मिलेगी अगला क्वेश्चन तो लिया स्टूडेंट्स ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपरों में आ जाता है काफी बार तो मैंने पूरा क्वेश्चन लिया है हमने दिया है क्या x अक्ष y अक्ष तथा z अक्ष की क्या ज्ञात कीजिए त्रिकोणीय आपसे पेपर में ऐसा भी पूछ सकता है कि x अक्ष की त्रिकोणीय बताइए ऑप्शन में पूछ सकता है कि x अक्ष की त्रिकोणीय है कौन सा ऑप्शन सही होगा तो बताइए इसमें जरा अक्ष बना लें तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अक्ष खुद ही रेखाएं होती है x अक्ष देखिए ox ox को देख रेखा है oy भी को देख रेखा है oz भी को देख रेखा है तो तीनों अक्षों की त्रिकोणीय तो सबसे पहले हम बात करेंगे x अक्ष के लिए तो अगर हम बात करें कि ये x अक्ष की एक रेखा है तो बताइए ये रेखा ये अगर ox को हम एक रेखा माने तो बताइए ये जो ox रेखा है x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है तो ox खुद ही x अक्ष है तो x अक्ष स्वयं के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा 0 अंश का y अक्ष के साथ 90 अंश का z अक्ष के साथ 90 अंश का ये जो अक्ष होते हैं परस्पर क्या होते हैं लंबवत तो हम ये लाइन लिखेंगे x अक्ष के लिए है का ही हम जानते हैं x अक्ष का स्वयं के साथ झुकाव स्वयं का मतलब खुद के साथ झुकाव खुद के साथ झुकाव कितना 0 degree y अक्ष के साथ झुकाव कितना 90 degree तथा z अक्ष के साथ झुकाव भी कितना 90 degree होता है सिंपल सी बात है जो अक्ष होते हैं कोई भी अक्ष खुद के साथ 0 अंश का कोण बनाएगा और बचे हुए अक्षों के साथ 90 degree का एंगल बनाएगा तो x अक्ष की बात हो रही है तो x अक्ष स्वयं के साथ 0 अंश का कोण y अक्ष के साथ 0 अंश का कोण तथा z अक्ष के साथ भी 0 अंश का क्या बनाता है कोण बनाता है अर्थात तो किसी भी रेखा का x अक्ष के साथ झुकाव क्या होता है अल्फा तो x अक्ष का स्वयं का मतलब x अक्ष के साथ भी झुकाव कितना है 0 तो अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर 90 degree और गामा बराबर 90 degree तो इसमें एलिमेंट निकालना है x अक्ष का x अक्ष की त्रिकोण तो n बराबर क्या सूत्र लगेगा cos alpha n बराबर cos beta n बराबर cos gamma तो cos alpha क्या है कितना 0 तो cos 0 की वैल्यू 1 beta दिया गया cos 90 कितना 0 gamma दिया गया भी 90 तो cos 90 is equal to 0 तो अतः x अक्ष की त्रिकोणीय तीन हो गए x अक्ष की देख x अक्ष की त्रिकोणीय स्टूडेंट्स हो गई 100 अब बात करें y अक्ष की तो y अक्ष के लिए आप हेडिंग डालेंगे तो आप क्या लिखेंगे y अक्ष स्वयं के साथ अच्छा बताइए y अक्ष z अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाता है 90 तो आप आइए कि हम जानते हैं y अक्ष का x अक्ष के साथ झुकाव 90 अंश y अक्ष का स्वयं के साथ झुकाव 0 अंश तथा y अक्ष का z अक्ष के साथ झुकाव कितना 90 अंश है अर्थात इस अक्ष की बार अल्फा 90 होगा बीटा 0 होगा और गामा फिर से 90 होगा तो फिर से एलएमएन निकालिएगा तो y अक्ष की त्रिकोणीय आएगी 0 1 0
और जब जेएक्स वाला करेंगे तो आपको मिलेगा 001। याद करने का तरीका क्या है, आपको इकाई का तत्समक आपको पता है 3 × 3 का, तो 3 × 3 का तत्समक आपको क्या होता था, इकाई का तत्समक आपको यही होता है, है ना। तो इसको आप देख लीजिए, पहली पंक्ति जो होती है 100, ये एक्स अक्ष की दीर्घभुजा, दूसरी पंक्ति 010 ये वाई अक्ष की दीर्घभुजा होती है, और 001 होती है जेड अक्ष की दीर्घभुजा होती है। याद रखने का तरीका ये है कि इकाई के तत्समक आप भी 3 × 3 कर लीजिए, उसकी पहली पंक्ति एक्स अक्ष की दीर्घभुजा है, दूसरी पंक्ति वाई अक्ष की दीर्घभुजा है, तीसरी पंक्ति जेड अक्ष की दीर्घभुजा है। पहला स्तंभ भी अगर देखेंगे तो एक्स अक्ष की दीर्घभुजा, दूसरा स्तंभ देखेंगे तो भी एक्स अक्ष की दीर्घभुजा, तीसरा स्तंभ भी देखेंगे तो भी एक्स अक्ष की दीर्घभुजा ही होगा। ये याद रखने का तरीका है। अब आपको मैं एक टॉपिक और बता रहा हूँ, इसके बाद दीर्घभुजा हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, हालांकि जरूरत आगे बढ़ती रहेगी। मान लीजिए अगर आपको दो रेखाएं दी हो और दोनों रेखाओं के क्या पता हो, दोनों रेखाओं की क्या पता हो, दीर्घभुजा। यदि दो रेखाओं की दीर्घभुजा है, पहली रेखा की दीर्घभुजा क्या है, L1 L1 L1, वैसे तो L1 होती है लेकिन दो रेखाएं हैं, पहले दो रेखा की दीर्घभुजा L1 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 तथा दूसरी रेखा की दीर्घभुजा L2 L2 तथा L2 है। मतलब अगर आपको दो रेखाओं की क्या दी हो, दीर्घभुजा दी हो, तो दोनों रेखाएं लंब होगी, तो दोनों रेखाएं लंब होगी। यदि कब लंब होगी, जब L1 × L2 + M1 × M2 + M1 × M2 बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या होगी, लंब होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूं, दर्शाइए कि एक में सवाल ये दे रहा हूं, दर्शाइए कि दीर्घभुजा है, कौन कौन सी दीर्घभुजा है, दीर्घभुजा का बिंदु दिया 12, -3, -13, 4, 13, अगली रेखा की दीर्घभुजा क्या है, अगली रेखा की दीर्घभुजा है 4/13, 12/13, 3/13 तथा तीसरी दीर्घभुजा है, तीन रेखाएं हैं, तीनों रेखाओं की दीर्घभुजा दी है, पहली रेखा कितनी है 12/13, -3/13, 4/13, ये बिंदु नहीं है, ये रेखाओं की दीर्घभुजा है LN। दूसरी रेखा की दीर्घभुजा है 4/13, 12/13, 3/13 और तीसरी रेखा की दीर्घभुजा है 3/13, -4/13 और यहाँ पे 12/13। तो ये तीनों रेखाओं की क्या पता है, दीर्घभुजा को मिलाने वाली रेखाएं, को मिलाने वाली रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत, परस्पर लंबवत है। तो देखिए यहाँ पे तीन रेखाएं, तीन है, तीन रेखाओं की दीर्घभुजा दी है, तो क्या पहली रेखा की दीर्घभुजा हम क्या ले लेंगे, L1 L1 L1। तो याद है क्या याद है हमको, L1 कितना है, L1 है 12/13, M1 -3/13, L1 कितना 4/13, L2 कितना 4/13, M2 12/13, M2 कितना 3/13, M3 कितना 3/13, M3 कितना -4/13 और M3 कितना 12/13। ये तीन रेखा की दीर्घभुजा है, है ना। पूछ रहा है तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, सिद्ध कीजिए, तीन रेखाएं परस्पर नहीं लंबवत होती, दो दो रेखाएं करके, तो एक बार पहली और दूसरी रेखा की लंबवत प्रूव करेंगे, एक बार दूसरी और तीसरी रेखा, तो एक बार तीसरी और पहली रेखा को, तो मैं पहली और दूसरी रेखा को लंबवत प्रूव कर ले रहा हूँ, तो पहली एवं दूसरी रेखा परस्पर लंबवत होगी, कब होगी,
जब इनकी बीच वो जाम के गुणन फलों का योग क्या हो जाए जीरो होंगी यदि। तो देखिए पहली रेखा और दूसरी रेखा कितनी को चाहिए है तो L1 का गुणा N2 है तो L1 N2 प्लस M1 N2 प्लस M1 N2 इज इक्वल टू क्या आ जाए जीरो। तो अगर इतना करने में जीरो बराबर जीरो आ जाएगा तो L1 गुणा N2 करिए तो L1 N2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 48/169। M1 N2 गुणा करिए तो -36/169 और M1 N2 का गुणा करिए तो M1 N2 का गुणा 12/169। इसको सॉल्व करिए तो 169 बराबर है तो 48/36 L1 और N2 का गुणा L1 और N2 का गुणा यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पर ये माइनस का है ये माइनस का 4/13 है तो यहाँ पर ये का आ जाएगा माइनस का आ जाएगा तो 169 हर बराबर है तो यहाँ आएगा 48-36-12 कितना आ जाएगा 0/169 = 0 यानी 0 = 0 LHS बराबर RHS। तो क्या लिखेंगे अर्थात पहली एवं दूसरी रेखा परस्पर लंब है। अब बात करेंगे दूसरी और तीसरी रेखा की तो आप करेंगे लिखेंगे दूसरी एवं तीसरी रेखा परस्पर लंब होगी यदि L1N3 + M2N3 + M2N3 = 0 जब वैल्यू रखेंगे तो फिर इसी तरीके से मिलेंगे तो दूसरी और तीसरी रेखा की परस्पर लंब होगी और फिर लिखेंगे तीसरी तथा पहली रेखा परस्पर लंब होगी यदि L3 L1 + M3 M1 + M3 M1 = 0 तो अभी आपका 0 ही निकलेगा। तो स्टूडेंट्स ये सवाल की प्रूविंग हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो मैंने आपको एक नया चैप्टर थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री यानी त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ाया है शुरू कर दिया है और इसमें त्रिकोणों से रिलेटेड सारी चीजें बता दी है। अब मैं नेक्स्ट डे इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।